नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोनाली यादव रेसिपीज़ पे। और आज हम बनाएंगे करेमुआ का साग, जिसे हम नारी भी बोलते हैं। इसको जो है हमने पहले से ही वॉश करके पत्तियों में छोटी छोटी पत्तियां इसकी निकाल ली थी, क्योंकि इसके जो डंठल थे वो बहुत मोटे थे। नहीं तो हम डंठल के साथ भी इसको काट सकते हैं, लेकिन इसके मेरे पास जो था उसके जो डंठल थे काफ़ी मोटे थे, इसलिए मैंने पत्तियाँ निकाल के कट कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने, और हम इसको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। हमने लहसुन डाल दिया है जो हमने कट करके रखा था, एक हरी मिर्च डाली है मैंने। हरी मिर्च को बीच से कट कर दिया था, छोटे छोटे करके मैंने हरी मिर्च को नहीं काटा है, क्योंकि ये फिर तीखा लगता है और मेरे घर में तीखा इतना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। और लहसुन को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी, हाफ टेबल स्पून से भी कम मैंने हल्दी का यूज़ किया है इसमें। और हल्दी पक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे नारी, जिसको करेमुआ भी बोलते हैं हम लोग। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें हमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ हमने इसमें नमक डाला है, जिसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स है, और इसमें सादा नमक भी मिक्स है, इसलिए हम अलग से सादा नमक भी इसमें नहीं डालेंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस पर लेड लगा देंगे, बस 2 मिनट के लिए हमने इस पर लेड लगाई थी, बाद में इसको हमें ओपन करके ही पकाना है। और ये देखिए, इसमें हल्का सा पानी जो है भाप से ये पक चुका है अच्छे से, और इसको अब हम खोल के ही पकाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना था गाइस, और आप लोग इतने सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, ये सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट में बन जाने वाले रेसिपी साग है। और इसके बाद ये देखिए गाइस, 90% ये डन हो चुका है। थोड़ी देर इसको हम थोड़ा सा करारा कर लेंगे, इसको ऐसे ही खोल के पकाएंगे। गाइस, मेरे चैनल को आप लोग, और इसको हम प्लेट आउट कर लेंगे, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।